नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिहार में छठ पूजा के अवसर पर बनाया जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सूजी। मैंने यहाँ बारीक सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप मोटी सूजी को मिक्सी में घुमा कर पीस सकते हैं। साथ में 1 कप आटा, 1 कप चीनी का, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 कप नारियल का बुरादा, 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और 4 से 5 चम्मच तेल या रिफाइंड लेंगे। साथ में कुछ रिफाइंड हम तलने के लिए भी लेंगे। इसके साथ हमें चाहिए 1 कप दूध, 1/2 कप। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें अपना सूजी और आटा दोनों मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर। साथ में इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मीठी चीज़ों में हम थोड़ा नमक ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाता है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों के अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। दरअसल हम इसे मोइन कर रहे हैं। हम इसमें इतना ऑयल डालेंगे कि इसकी मुट्ठी बन सके। तो अभी मुझे और तेल की ज़रूरत लग रही है तो मैं थोड़ा और तेल डालूंगी। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। हमें इसे उतना ही मोइन देना है कि इसकी मुट्ठी बन सके। देखिए ऐसे, अब इसकी मुट्ठी बनना शुरू हो गई है तो हम इसका आटा गूँध लेंगे। ये आटा हम दूध से गूँध रहे हैं, पर आपको याद रखना है कि दूध हमने गर्म यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें चीनी मिक्स है। अगर गर्म दूध डालेंगे तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो दूध या तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का लें या ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। आटा गूंथते हुए दूध आपका 1 कप से थोड़ा कम या ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आटा मोटा पिसा हुआ है या पतला पिसा हुआ है, इस पर डिपेंड करता है ये। देखिए हमारा यहाँ डो रेडी हो गया है। ये थोड़ा सख्त डो है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं गूंथना हमें। अब किसी भी फ्लैट सरफेस पर आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये डो लें और इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दे दें। देखिए बिल्कुल ऐसे, दोनों हाथों से हल्का सा प्रेशर देना है इस पर, एक लोब की शेप में आ जाएगा ये। अब एक चाकू से हम इसके इक्वल पीसेस कट कर लेंगे। अब एक छोटा ये पीस उठाकर हम अच्छे से अपने हथेलियों के बीच में इसको गोल घुमाएंगे और ऊपर से प्रेस कर देंगे हल्का सा, और ऊपर नीचे से हल्का सा इसको और शेप दे देंगे। आप वैसे इसे अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। ठेकुए के सांचे भी मिलते हैं मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा डिज़ाइन देंगे। इसके लिए मैं यहाँ एक कटोरी ले रही हूँ और उसको हल्के से उसके एज से प्रेस कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया है। इस तरह से हम सारे बना के रख लेंगे। देखिए, और साथ में मैंने कढ़ाई में मीडियम आंच पर तेल गरम करने रख दिया था। अब एक एक कर हम इसे गरम तेल में डालकर इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तलते हुए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा तेल ज़्यादा गर्म ना हो। हमें इसे मीडियम टू लो पे ही कुक करना है। स्टार्टिंग में आप लो पे ही रखिएगा थोड़ा, जब दोनों साइड से हल्का हल्का सिक जाए तो उसके बाद आप थोड़ी आंच तेज कर इनको ब्राउन कलर दे सकते हैं। इनको तलते समय एक बात और ध्यान रखें कि एक साथ बहुत सारे नहीं डालने हैं, हमें थोड़े थोड़े करके ही डालने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो पलटते समय उनके टूटने का डर रहेगा। तो थोड़े थोड़े करके ही आप इन सबको फ्राई कर लें। थोड़ी थोड़ी देर में इनको
उलटते पलटते रहें ताकि दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएं। आप इन्हें आटे और सूजी के बिस्किट भी कह सकते हैं, जो कि आप बिना ओवन के आराम से घर पे बना सकते हैं और बच्चों को इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट। देखिए अब तलते तलते हमारे काफ़ी हद तक बन चुके हैं। अब इन पे एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है तो अब हम इनको इस तेल में से निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा जब ये गर्म होते हैं तो ये नैपकिन से चिपक सकते हैं, तो आप नैपकिन को अवॉइड ही कीजिए। अब बाकी के भी हम जो हमारे ठेकुए हैं उनको थोड़े थोड़े कर कर तल लेंगे तेल में। देखिए हमारे ठेकुए एकदम रेडी हो गए हैं खाने के लिए। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।